नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड के बीच में जो तीसरा ओडीआई मैच खेले जाने वाला है काउंटी ग्राउंड इंग्लैंड की पिच पर। तो दोस्तों, ग्रैंड लीग टीम में हम कैप्टन वॉइस कैप्टनसी कौन से प्लेयर को आज के मैच में लगा सकते हैं, फिलिप साल्ट इंपोर्टेंट है या फिर सेम हैन इंपोर्टेंट है? दोस्तों, दोनों के बारे में आपको यहां पर पॉइंट दिखाऊंगा कि भाई कौन से प्लेयर ने क्या पॉइंट लिए हैं और कौन से प्लेयर को कहां पर ट्राई करना है, जीएल में या फिर स्मॉल लीग टीम में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैच के बारे में बात करें, इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड के बीच में तीसरा ओडीआई मैच, और इसमें जो ग्रैंड लीग टीम है वो विन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपको यहां पर प्लेयर सिलेक्शन बताऊंगा, जो भी आपको यहां पर प्लेयर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ट्रंप कार्ड प्लेयर कौन सा प्लेयर रहेगा। और दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज तो पता होगा कि आयरलैंड की टीम इंग्लैंड के आगे थोड़ी सी यहां पर कमजोर टीम है, तो इंग्लैंड की टीम मैच को विन कर सकती है। तो दोस्तों, हम इसी के कॉम्बिनेशन में हम आज की फाइनल टीम बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर डेट की बात करें, 26 सितंबर को यह मुकाबला खेले जाने वाला है 5 बजे शाम को। तो दोस्तों, पिच के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि पिच रिपोर्ट आखिरकार कैसी है, यहां पर बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है। तो दोस्तों, यहां पर आपको काउंटी जो इंग्लैंड की जो पिच होने वाली है वो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 17 ओडीआई के मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं, 10 मैच यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 250 के करीब आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है, और सबसे हाईएस्ट स्कोर इस पिच पर इंग्लैंड की टीम ने ही बनाया था, ओनली 370 के करीब आपको यहां पर हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल जाएगा, और सबसे कम स्कोर जिम्बाब्वे की टीम ने बनाया था, ओनली 92 रन का। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 से नीचे 4 बार स्कोर गया है, 200 और 250 के बीच में 6 बार स्कोर गया है, 250 और 300 के बीच में 2 बार स्कोर गया है, और 300 से ऊपर 5 बार स्कोर गया है टोटल 17 मैचों में। तो पिच आपको लगभग बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, और आज के मैच में कैप्टन वॉइस कैप्टनसी जो ट्राई करने वाले हैं दोस्तों, वो बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे। और दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन की बात करें लास्ट के 5 मैचों की, तो इसमें पेसर्स को 47 विकेटें और स्पिनर्स को यहां पर 21 विकेटें अभी तक मिली है, तो जो पिच है वो पेसर्स को काफी ज्यादा मदद करेगी। तो कौन सा यहां पर बॉलर हमें आज के मैच में ट्राई करना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। अब बात करेंगे यहां पर जो रिसेंट के मैच इस पिच पर हुए हैं 2019 में, 2017 में, उसमें क्या एवरेज स्कोर रहा था दोस्तों, और हाईएस्ट स्कोर लगभग कितना बना था, और यहां पर पेसर्स को कितनी विकेट मिली थी, और इधर बात करें तो स्पिनर्स को कितनी विकेट मिली थी। तो अभी करंट की बात करें तो करंट में 2019 में अफगानिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई का मुकाबला हुआ था, 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली थी, 7 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ, 1 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली, 10 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली। फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ, 4 विकेटें यहां पर स्पिनर्स लेके गए, 13 विकेटें यहां पर पेसर्स। फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ, 7 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली थी और 6 विकेटें यहां पर दोस्तों पेसर्स को मिली थी। तो ये मैच आप देख सकते हो जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 127 रन बना के मैच को विन कर लिया था, जो कि 2017 में खेला गया था, और यहां पर आयरलैंड की टीम मैच को हार के आई थी। अगर यहां पर बात करें दोस्तों, 2017 में एक ओडीआई मैच और हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, इसमें भी इंग्लैंड की टीम ने मैच को विन किया था। अगर ये दोनों मैचों की बात करें तो ये एक पाकिस्तान और यहां पर आपको इंग्लैंड के बीच में मैच देखने को मिलेगा, ये भी इंग्लैंड की टीम ने मैच को विन किया था। रीसेंट के जितने भी इंग्लैंड के इस पिच पर ओडीआई के मैच खेले गए हैं उसमें लगभग इंग्लैंड की टीम ने ही मैच को विन किया है दोस्तों। तो ये आपको रीसेंट मैचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो आपको मैंने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आयरलैंड की टीम है वो इंग्लैंड के सामने बहुत ही कमजोर टीम है दोस्तों, ओनली 2 ही बार मैच को विन किया है, 8 बार इंग्लैंड की टीम ने मैच को विन किया है। रीसेंट में भी दोनों ओडीआई मैच इंग्लैंड की टीम विन करके आ रही है, और दोस्तों आयरलैंड की टीम आप देख सकते हो बैक टू बैक यहां पर हार के आ रही है। तो आपको और भी यहां पर बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन से प्लेयर को हमें
ट्राई करना है इंग्लैंड के, और कौन से प्लेयर को हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला मैच शायद बारिश के कारण आपको देखने को नहीं मिला होगा, और बाकी के यहाँ पर चार मैचेस बैक टू बैक इंग्लैंड की टीम विन करके आ रही है। ये दोस्तों आपको इंग्लैंड की फाइनल प्लेइंग 11 भी देखने को मिल जाएगी कि कौन सा प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन है, कौन सा प्लेयर कहां पर खेलेगा। अगर इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, तो विल जैक्स के ऊपर आप आज के मैच में सीवीसी जरूर ट्राई करना। फिलिप साल्ट भी आज के मैच में इंपोर्टेंट है। इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा, वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो फिलिप साल्ट और विल जैक्स, फिर जैक आपको देखने को मिलेंगे, बैन डोगेट है, सेम हैन है, और यहाँ पर आपको स्मिथ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, फिर ब्रेडन है, फिर रेयान है, फिर टॉम हार्टले, फिर यहाँ पर मैथ्यू पोर्ट्स, और फिर दोस्तों आपको जॉर्जी आपको फाइनली इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर इंपोर्टेंट प्लेयर है, मेरे अकॉर्डिंग आप इन कम से कम 7 से 8 प्लेयर आज के मैच में इंग्लैंड के ही ट्राई करना। जैसे कि फिलिप साल्ट आपका विकेट कीपर ऑप्शन में यहाँ पर डल जाएगा, फिर आपका विल जैक्स हो जाएगा, और जैक ने पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आज के मैच में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्रंप कार्ड प्लेयर आपको देखने को मिल सकता है। फिर सेम हैन ने पिछले मैच में गजब का परफॉर्मेंस किया था, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, मैथ्यू पोर्ट्स को ट्राई कर लेना। यहाँ पर रेयान को आज के मैच में ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये स्पिनर है और आज के मैच में स्पिनर के लिए इस पिच पर इतनी ज्यादा मदद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। इसकी जगह आप ब्रेडन को आप फाइनली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर विल जैक्स आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। अगर बॉलिंग से एक विकेट भी मिलती है और बैटिंग से दोस्तों 50 से 60 रन भी बना देता है, तो आपका जो ड्रीम टीम में जो रैंक है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये इंग्लैंड की फाइनल आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर बात करें फाइनली इंग्लैंड के प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तो फिलिप साल्ट रिसेंट में 28, फिर 25, फिर 47, फिर 17 और फिर 28, ये इसका रिसेंट परफॉर्मेंस है। एक मैच इसने हेड टू हेड में खेला है, 28 रन इसने रिसेंट में ही बनाए थे, जो पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ इसने खेला था ओडीआई का। तो दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन में इससे बढ़िया विकेट कीपर आपके लिए कोई भी नहीं है। अगर आप इंग्लैंड का आयरलैंड का ट्राई करना चाहते हो, तो उसकी जगह आप फिलिप साल्ट को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो इसका फैंटेसी सिलेक्शन है, कम से कम 80% आज के मैच में इसको फैंटेसी में सिलेक्शन कर रखा है, तो आप इसको फाइनली ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम दोनों में ट्राई कर सकते हो। विल जैक्स की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों इसने 94 रन प्लस में 0 विकेट, फिर 16 रन, 11, 19 रन, 1 विकेट, फिर यहां पर 22 रन, एक मैच इसने हेड टू हेड का खेला है, और दोस्तों रिसेंट में ही इसने 94 रन बनाए हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए आप ट्राई कर लेना, क्योंकि रिसेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और पिच भी दोस्तों बैटिंग की ही है, तो शायद आपको आज के मैच में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहां पर जैक की, तो इसका रिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब चल रहा है। अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा, तो आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। एक मैच हेड टू हेड का खेला है, 0 रन है, 0 यहां पर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगी। बैन डोगेट की बात करें, तो इसका रिसेंट परफॉर्मेंस कम से कम आप मान सकते हो 30-40 रन आपको आज के मैच में भी निकाल के देगा। रिसेंट में 48, फिर 47, फिर एक मैच में 27, फिर एक मैच में 23, फिर एक मैच में 4 रन की पारी है। एक मैच हेड टू हेड का रिसेंट में खेला है, 48 रन इसने बनाए थे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 4 पे इसकी बैटिंग देखने को मिलेगी, और दोस्तों आप इसको फाइनली ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर ड्रॉप भी करना चाहते हो, तो इसको ड्रॉप करके आप जैक को अपनी फाइनल टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें यहां पर सेम हैन की, तो रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इसका, 89 है, फिर 33 रन नाबाद है, फिर 16 रन, फिर 30 रन, फिर यहां पर 3 रन नाबाद है। एक मैच हेड टू हेड का 89 रन इसने बनाए थे, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है, आप इसको भी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें स्मिथ की, तो आप इसके साथ भी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको विकेट कीपर ऑप्शन में है, और दोस्तों अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो आपको इतना बढ़िया स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आप इस प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर पहले इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है, तो आप इसको भी फाइनली टीम में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट में 9 रन है, फिर 52 रन है, फिर 38 रन है, एक मैच हेड टू हेड का 9 रन इसने फाइनली बनाए थे अभी रिसेंट में, ये आपके लिए विकेट कीपर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ब्रेडन की बात करें, तो रिसेंट में 32 रन, 1 विकेट है, 15 रन नाबाद, प्लस में 1 विकेट है, एक मैच हेड टू हेड का 32 रन है, प्लस में 1 विकेट है, तो आप इसको भी फाइनली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। अगर रेयान अहमद की बात करें दोस्तों, तो आज के मैच में शायद ये 1 विकेट से ज्यादा आपको निकालते हुए नजर
आएगा नहीं, तो आप इसको फाइनली ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, ग्रैंड लीग टीम में आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग टीम में आप इसको ड्रॉप करके मत चलना, क्योंकि स्मॉल लीग टीम में जो इसका सिलेक्शन है, कम से कम 90% लोगों ने इसको फाइनली फैंटेसी में ट्राई कर रखा है। अगर स्मॉल लीग की बात करें दोस्तों, तो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की, तो कम से कम 15 से 10% इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी आज के मैच में ट्राई करने वाले हैं। हेड टू हेड की बात करें, एक मैच खेला है, 6 रन है प्लस में 4 विकेट है, तो फाइनली आप इसको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग टीम में। अगर बात करें फाइनली यहां पर नीचे, आपको टॉम हार्टले देखने को मिलेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस फ्लॉप था, फिर 1 विकेट है, फिर फ्लॉप, फिर 2 विकेट है, तो शायद आज के मैच में आपको इसका एक नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा, 1 विकेट आपको निकालते हुए नजर आएगा। अगर मैथ्यू पोर्ट्स की बात करें, इसका आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, 1 मैच एड टू एड का, 2 विकेट इसके नाम है, तो आप इसको फाइनली 100% अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना दोस्तों। अगर जॉर्जे की बात करें, तो इसका तो बैक टू बैक परफॉर्मेंस है और इसका सिलेक्शन भी काफी ज्यादा है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों टीमों में आपके लिए ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टीमों में आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें यहां पर बेंच प्लेयर की, तो यहां पर आपको टॉम कोलर देखने को मिलेंगे, लुक वुड है जो फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर खेलेगा तो। यहां पर क्रिग आपको देखने को मिलेगा, क्रिग ओवरटोन, अगर ये खेलता है तो आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। यहां पर जो तीनों में से इंपॉर्टेंट है, लुक वुड को आप अपनी फाइनली टीम में ट्राई कर सकते हो, ये आपको इंग्लैंड के फाइनल बेंच प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें यहां पर आयरलैंड की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में दोस्तों, तो पोल स्टार्लिंग, एंडी बल्बिर ने, फिर कार्टिस कैंपर है, हैरी ट्रैक्टर है, फिर यहां पर ठक्कर देखने को मिलेगा, जॉर्जे डोकरेल है। अगर नीचे ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, तो एंडी एमसी ब्रेन, फिर यहां पर मार्क अडीर, बैरी एमसी कार्टी और क्रिग योंग, फिर आपको जोशुआ लिटल फाइनली इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। तो यहां से अगर इंपॉर्टेंट जो फाइनली बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाएगा दोस्तों, तो पोल स्टार्लिंग तो कैप्टन है आयरलैंड का, और ये रिसेंट परफॉर्मेंस इसका बिल्कुल खराब चल रहा है दोस्तों। अगर एंडी बल्बिर ने की बात करें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन सकता है। कार्टिस कैंपर की बात करें दोस्तों, ये कभी कभी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आता है और कभी कभी आपको बैटिंग से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे जाता है कि आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो आयरलैंड की बैटिंग है, कम से कम आपको यहां तक बैटिंग देखने को मिलती है। क्रिग योंग भी बढ़िया बैटिंग करता है। बैरी एमसी कार्टी की बात करें, तो इंडिया और आयरलैंड का जो T20 या ODI मैच खेला गया था, उसमें इसने 50 रन मारे थे दोस्तों, आपको याद होगा, और प्लस में इसने 1 से 2 विकेटें भी निकाली थी। तो यहां तक आपको बढ़िया बैटिंग देखने को मिलती है आयरलैंड की। लेकिन जो इनकी बैटिंग देखने को मिलती है, लगभग 30-35 रन से ज्यादा कोई भी खिलाड़ी नहीं बना के दे सकता। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगभग हैरी ट्रैक्टर ज्यादा से ज्यादा आपको 50-60 रन की पारी आराम से खेलते हुए नजर आ सकता है। बाकी यहां पर पोल स्टार्लिंग की बात करें, रिसेंट में 25 रन, फिर यहां पर 9 रन 0 विकेट, फिर 66 रन 0 विकेट, 5 रन 0, फिर यहां पर 0 आपको देखने को मिलेंगे। हेड टू हेड में 3 विकेटें हैं 12 मैचों में, प्लस में 362 रन टोटल इसने बनाए हैं 30 की एवरेज स्कोर से। पिच पे 1 मैच खेला हुआ है, 20 रन इसने टोटल बनाए थे। एंडी बल्बिरने की बात करें, 14-20-72-4-4, हेड टू हेड के 8 मैच, 211 रन है 26 की एवरेज स्कोर से, 1 मैच ग्राउंड पे, 30 रन टोटल 30 की एवरेज स्कोर से। दोनों में से आपको एक ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों में से एक को ही ट्राई करना है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि दोनों को ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि दोनों इतने बढ़िया इंपॉर्टेंट आपके लिए खिलाड़ी नहीं बनते। और दोस्तों जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन जो इंग्लैंड की बॉलिंग है वो आपको थोड़ी सी आप ये लगा सकते हो कि आयरलैंड से बेटर है। अगर बात करें कार्टिस कैंपर की, तो रिसेंट में यहां पर 9 रन, फिर यहां पर 98 रन 0 विकेट, तो मैं आपको बोलता हूं कार्टिस कैंपर आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। ये कभी कभी आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे देता है कि आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी यही खिलाड़ी देखने को मिलता है, और कभी कभी आपको 18 और 9 रन की पारी देखने को मिलेगी। फिर 1 मैच में 39 है, फिर 32 है, 4 मैच हेड टू हेड के 136 रन है, 68 की एवरेज स्कोर से, प्लस में 5 विकेट है, तो दोस्तों ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, 4 मैचों में 136 रन है 68 की एवरेज स्कोर से। अगर बात करें हैरी ट्रैक्टर की, तो रिसेंट में 39, फिर 0, फिर 10 रन, नाबाद 7 और 9, 4 मैच हेड टू हेड के 96 रन है 32 की एवरेज स्कोर से। कार्टिस कैंपर आपको फाइनली ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। हैरी ट्रैक्टर को आप ट्राई कर भी लेना या ड्रॉप भी कर लेना, अगर इसको ट्राई कर रहे हो दोस्तों, तो आपको आयरलैंड का जो फाइनली ओपनिंग बैट्समैन है उसमें से आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर बात करें यहां पर ठक्कर की, तो रिसेंट में 11 है, फिर 38 रन है, फिर यहां पर बैटिंग नहीं, फिर 8, फिर 38, 5 मैच हेड टू हेड के 39 रन टोटल इसने बनाए हैं 9 की एवरेज स्कोर से।
ड्रॉप करके भी चल सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शन में आपके लिए फिलिप साल्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो दोस्तों। अगर बात करें जॉर्जे डोकरेल की तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 8 मैचों में 100 रन है 25 की एवरेज स्कोर से, प्लस में 5 विकेटें हैं, और रिसेंट में भी 43 रन प्लस में 3 विकेट लेके आया है, तो आज के मैच में भी आपको 4 से 5 ओवर ये खिलाड़ी करते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए इतनी ज्यादा खास नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर पेसर्स बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर नीचे एनडीएमसी बरने की, तो रिसेंट में इसने 4 रन 0 विकेट है, 7 रन 12 फिर 20 फिर 0 फिर 1 फिर 0, 4 मैच हेड टू हेड के, 68 रन है 22 की एवरेज स्कोर से, प्लस में 1 विकेट है। मार्क एडर की बात करें, इसके पास बैक टू बैक विकेटें हैं, हेड टू हेड में 2 विकेटें निकाल चुका है, और फैंटेसी सिलेक्शन 80% के करीब आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्लेयर को भी आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अगर बात करें बेरी एमसी कार्टी की, तो ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, रिसेंट में 41 रन प्लस में 1 विकेट है, और यहां पर आप देख सकते हो 51 रन नाबाद भी है, जो इंडिया के खिलाफ मैच था शायद, 12 रन 1 विकेट है, 3 मैच हेड टू हेड के, 46 रन है दोस्तों, 15 की एवरेज स्कोर से, प्लस में 3 विकेटें हैं। अगर क्रिक योंग की बात करें, ये भी बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है आयरलैंड के, अगर आप एक ड्रीम टीम बनाना चाहते हो तो नीचे के प्लेयर आप ट्राई करना, लगभग आप 4 प्लेयर से नीचे ट्राई करना, 5 या 6 7 8 9 10 11 प्लेयर तक आप कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो यहां पर बॉलिंग सेक्शन है वो भी आपको बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस करके देगा। यहां पर आप देखो 40 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट है, 3 रन नाबाद, 4 रन प्लस में 2 विकेट, 1 रन नाबाद प्लस में 1 विकेट, 5 मैच हेड टू हेड के 53 रन है प्लस में 8 विकेटें हैं, सबसे ज्यादा विकेट आपको क्रिक योंग के पास आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें जोशुआ लिटल की, तो रिसेंट में 29 रन प्लस में 1 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, 4 मैच हेड टू हेड के 10 विकेट है, 38 रन प्लस में 19 की एवरेज स्कोर से, ये खिलाड़ी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको लगभग आज के मैच में 1-2 विकेट आपको निकाल के आराम से दे सकता है दोस्तों। अगर बात करें फाइनली आज की फैंटेसी टीम के बारे में, तो आपको लगभग फाइनल फैंटेसी टीम से पहले आपको थोड़े बहुत बेंच प्लेयर दिखा देता हूं, ये आपको 4 बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे आयरलैंड में, तो इनमें से कोई खेलता है तो आप फाइनली ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर दोस्तों, तो आपको यहां पर विल जैक, सेम है रेयान अहमद, और आपको जॉर्जे देखने को मिलेगा। अगर इधर बात करें कार्टिस कैंपर है, जॉर्जे डोकरेल है, बैरी एमसी कार्टी है, और फिर दोस्तों क्रिक योंग, ये आपको फाइनली फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें यहां पर आज की हमारी फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में दोस्तों, तो यहां पर आप देखो मैंने वॉइस कैप्टनसी यहां पर फिलिप साल्ट को लगाया है, कैप्टनसी विल जैक्स के ऊपर रखने वाला हूं, यहां पर सेम है और जॉर्जे डोकरेल, नीचे आपको 3 यहां पर ऑलराउंडर प्लस में 5 बॉलिंग सेक्शन आपको फाइनली देखने को मिलेंगे। अगर इधर बात करें दोस्तों, तो कैप्टनसी में मैं रिस्क उठाने वाला हूं, जॉर्जे डोकरेल को ट्राई किया है, वो इस कैप्टनसी में विल जैक्स के ऊपर रखने वाला हूं। अगर आप यहां पर चेंजमेंट करना चाहते हो, तो यहां पर आप कैप्टनसी इस प्लेयर को ड्रॉप करके इसकी जगह आप जैक को भी ट्राई कर सकते हो, सेम हैन को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए दोनों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रहेंगे, और यहां पर आप बैन डोगेट के साथ भी जा सकते हो, ये आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत बोलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।